हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को खिचड़ी बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये 1.5 कप चावल है, 1 कप दाल है चना का, और वेजिटेबल्स में ये आलू को मैं अच्छे से कट कर ली हूँ, धो ली हूँ, मटर छीमी से भी छील ली हूँ, गोभी से भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ, गाजर, टमाटर, ये आदि लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, हरा मिर्च, स्वाद अनुसार हल्दी नमक, छौंक के लिए तेज पत्ता, जीरा और लाल मिर्च है। चावल को हमें अच्छे से धो लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चावल को अच्छे से धो ले रही हूँ, ये दाल को भी मैं धो ले रही हूँ। दाल को पहले धोकर हमें इसे उबाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप में दाल को मैं उबाल ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई को गर्म करके तेल को डाल ले रही हूँ, सरसों तेल। ये छौंक लगा दे रही हूँ, लाल मिर्च, जीरा, तेज पत्ता का। ये गोभी को मैं डाल के फ्राई कर लूँगी पहले। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये आधी लहसुन का पेस्ट, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिलाकर मैं फ्राई करूँगी। इस तरीके से खिचड़ी बनाने पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये हरे मिर्च को मैं डाल दी, मटर को भी मैं डाल दे रही हूँ। सभी को मिलाकर मैं फ्राई कर लूँगी। स्वाद अनुसार हल्दी नमक इसे भी डाल दी। इसे भी मिला लेना है। ये कटे हुए आलू को भी मैं डाल दे रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिलाकर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर को भी मैं डाल दी। सभी को मिलाकर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसे भी मिला दे रही हूँ। टमाटर, सभी को अच्छे से मिला लेना है। ये धनिया पत्ता को भी डाल दे रही हूँ। सभी को मिलाकर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल अच्छे से बॉईल हो गए हैं। कुकर में मैं 3 सीटी लगा दी थी। अब इसी में मैं पानी को डाल दे रही हूँ, गर्म पानी को। इससे खिचड़ी बहुत ही अच्छे से बनता है। और ये चावल धोकर रखी थी, उसे भी डाल दे रही हूँ। और जो वेजिटेबल्स में फ्राई कर रही थी, उसे भी उसमें डाल दूँगी। देखिए फिर इस तरीके से हमें डाल देना है सभी वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स फ्राई करके डालने पे खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर में खिचड़ी बहुत अच्छे से बन गया है। मैं गैस को बंद कर दी हूँ।
यम्मी सा खिचड़ी हमारा तैयार है। मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, आप लोग भी इस तरीके से बनाएं।